तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन बताएंगे जिसे आप खरीद पाएंगे अभी के टाइम पे 14,000 के अंडर में। हमारे लिस्ट में मैक्सिमम फोन आपको 5G फोन ही दिखेगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस प्राइस रेंज में अगर आप 5G फोन को लेते हैं तो थोड़ा मोरा कम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ 4G फोन को भी अपने लिस्ट में रखा है। ये सभी फोन जो है इस प्राइस रेंज का सबसे अच्छा एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, जिनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का देखने को मिलेगा। अगर आपको 14,000 के अंडर में एक अच्छा 5G स्मार्टफोन चाहिए या फिर एक अच्छा 4G स्मार्टफोन चाहिए तो आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं। तो डिटेल्स में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो को। तो अपने लिस्ट का पहला फोन आता है पोको की तरफ से, पोको M4 Pro 5G। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के टाइम पे यह फोन जो है ना आपको 13,000 रुपया में मिलेगा, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से यह फोन जो है ना एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाता है। तो अगर आपको 14,000 के अंदर में एक अच्छा 5G स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो फिर चलिए एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फोन का फीचर्स को। तो स्टार्ट करेंगे इस फोन का भी बिल्ड क्वालिटी से ही। तो ये फोन जो है ना आपको प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ दिखेगा। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.8mm का थिकनेस, 195 ग्राम इस फोन का वेट है। कुछ बेसिक फीचर की बात कर ले तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा। हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। इनमें फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 12.5 के साथ आता है, जो की एंड्रॉइड 11 पर बेस है। ये तो हो गया इस फोन का कुछ अदर फीचर। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मैन फीचर्स का। तो इस फोन में 6.6 इंच का फुल HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और 90Hz का स्क्रीन रेट एंड 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। 13,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी बढ़िया दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर ही सकते हैं। एंड 700 nits का ब्राइटनेस भी दिया गया है, जो कि ठीक ठाक ही है, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। ये तो हो गया डिस्प्ले। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का। तो मैं आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा, और यह प्रोसेसर जो है ना 6 nm पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना नो डाउट पावरफुल है, आप चाहे तो इस फोन में गेमिंग भी कर सकते हैं। एंड 3,75,000 प्लस इस फोन का अंतु स्कोर, ये जो कि स्कोर बढ़िया है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। बात की जाए बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। बात करें कैमरा का, तो इनमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो की 8MP का है, और सेल्फी कैमरा जो है ना 16MP का दिया गया है। और आप पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 60fps पर, और फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। और ध्यान रहे कि इनमें ना ही माइक्रो लेंस और ना ही डेप्थ सेंसर है, बट फिर भी कैमरा जो है ना इस फोन का बढ़िया ही है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इनमें 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फाइनली इस फोन का प्राइस का। तो इस फोन का बेस वेरियंट को लेने के लिए, यानी कि 4/64 वाले वेरियंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 12,999 रुपया देना होगा। इस फोन का जो है ना और भी कई सारा वेरियंट है, जैसे 6/128 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 15,000 रुपया देना होगा। खैर, अगर आपको 14,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा 5G स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का दूसरा फोन आता है IQOO की तरफ से, IQOO G6 Lite 5G। अगर आपको 14,000 रुपए में एक अच्छा तगड़ा लेवल का स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, और 14,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से सभी फीचर इनमें काफी बढ़िया है। तो चलिए एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फोन का भी फीचर्स को। तो ये फोन भी जो है ना प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ फोन है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, और 194 ग्राम इस फोन का वेट है, जो कि लगभग नॉर्मल ही है। एंड 8.3mm का थिकनेस है। लिटरली इस फोन का डिजाइन वगैरह जो है ना काफी खूबसूरत सा है, मुझे काफी पसंद आया। कुछ बेसिक फीचर की बात कर ले तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा। एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो फंटस 12 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। तो बात कर लेते हैं इस फोन का मैन फीचर का। तो इस फोन में आपको IPS LCD डिस्प्ले ही मिलेगा, जो कि 6.5 इंच का फुल HD+ है। और सबसे अच्छी बात है कि इनमें आपको 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। ये तो हो गया डिस्प्ले। बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का। तो इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 वाला प्रोसेसर मिलेगा, और यह प्रोसेसर जो है ना 6 nm पर बना हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिनमें यह प्रोसेसर लगा हुआ आपको दिख रहा है। एंड 4.25 लाख के आसपास इस फोन का अंतु स्कोर भी है, जो कि स्कोर बढ़िया है। बात करें बैटरी का, तो इसमें आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। तो बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो पीछे के साइड 2 ही कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सेकेंड कैमरा 2MP का है, और सेल्फी कैमरा 8MP का।
रहा है और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फाइनल इस फोन का प्राइस का, तो 464 वाले वेरियंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 14,000 रुपया देना होगा एंड 628 वाले वेरियंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 15,500 रुपया देना होगा। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो आप अपना बजट के हिसाब से वेरियंट को चूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अपने लिस्ट का तीसरा फोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। जी हाँ दोस्तों, यह फोन भी जो ना फिलहाल के टाइम पे आपको 14,000 के अंडर में ही मिलेगा। इस फोन को आप एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन कह सकते हैं क्योंकि इस फोन का कैमरा भी काफी बढ़िया मिलेगा, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही है, इसके अलावा भी सभी फीचर इनमें काफी अच्छा दिया गया है। तो चलिए डिटेल्स में बताते हैं क्या कुछ इस फोन में मिलेगा। स्टार्ट करेंगे इस फोन का डिस्प्ले से, तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले मिलेगा और इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, तो ये चीज जो है ना काफी बढ़िया है। बात करें स्मूथनेस की, तो 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलेगा। स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी हैवी लेवल का दिया गया है और ये चीज जो है ना गेमिंग के लिए काफी यूजफुल है। 600 निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है जो कि बढ़िया है, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। ये तो हो गया डिस्प्ले नो डाउट काफी बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। कैमरा से इस फोन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कैमरा काफी बढ़िया मिलेगा इस फोन का। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का, तो इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर मिलेगा और यह प्रोसेसर जो है ना 8nm पर बना हुआ है। 14,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से चिपसेट जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है और 3 लाख प्लस इस फोन का अंतु स्कोर भी है जो कि स्कोर बढ़िया कह सकते हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और बात करें बैटरी का, तो आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को। बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इस फोन में 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। तो इस फोन का प्राइस को जो है ना बाद में बताएंगे, उससे पहले अगर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे, तो ये फोन भी जो है ना प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ मिलेगा। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 198 ग्राम इस फोन का वेट है जो कि लगभग नॉर्मल ही कह सकते हैं वेट को, और 8.4mm का थिकनेस है, थिकनेस भी ठीक ठाक ही है। तो इस फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह जो है ना काफी खूबसूरत सा मिलेगा। और कुछ बेसिक फीचर की बात करेंगे, तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें, तो 1x4.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। तो चलिए बात कर लेते हैं फाइनल इस फोन का प्राइस का, तो 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 14,000 रुपए होगा एंड 628 वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 15,000 रुपए देना होगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो आप अपना बजट के हिसाब से वेरिएंट को चूज कर सकते हैं। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अपने लिस्ट का चौथा फोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो T144 Wad। दोस्तों यह एक 4G फोन है। अगर आपको 5G से कोई इशू नहीं और आपको 14,000 रुपए में एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए, तो नो डाउट ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और 14,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से इनमें सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ इस फोन में मिलेगा। स्टार्ट करेंगे इस फोन का भी बिल्ड क्वालिटी से ही, प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ ये फोन भी है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। ये फोन जो है एक अच्छा लाइट वेट फोन है क्योंकि 182 ग्राम इस फोन का वेट है। 8.4mm का थिकनेस है, थिकनेस लगभग ठीक ठाक ही है। तो इस फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह जो है ना काफी खूबसूरत सा है। और कुछ बेसिक फीचर की बात करें, तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा। इसमें भी हाइब्रिड स्लॉट ही दिया गया है जिससे आप 2 सिम या फिर 1 सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। और इस फोन में फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। 14,000 के फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल रहा है, आप समझ ही सकते हैं कि कितना बढ़िया है। यूजर इंटरफेस की बात करें, तो फनटच OS 12 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। ये तो हो गया इस फोन का कुछ अदर फीचर। अब फोन का मेन फीचर का, तो इनमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा जो कि काफी ज्यादा है, जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। और नॉर्मल 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है। डिस्प्ले गेमिंग वगैरह के लिए उतना अच्छा तो नहीं है, बट हाँ कंटेंट वॉचिंग वगैरह के लिए काफी बढ़िया है। तो बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिलेगा और ये प्रोसेसर
प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर को ज्यादा हैवी तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ काम चलाऊ प्रोसेसर है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो हल्का फुल्का गेमिंग कर सकते हैं एंड 2,20,000 के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। और बात करें बैटरी का, तो आपको 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 44 वाट का फास्ट चार्जर को। और ये चार्जर जो है आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा एंड आपको अच्छा खासा बैकअप भी मिल जाएगा। जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा था कि 44 वाट का चार्जर मिल रहा है, तो दोस्तों वो कोई क्लिक बैट नहीं था। खैर अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन के पीछे के साइड 3 कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा, थर्ड कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का है जो कि माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर है। और सेल्फी कैमरा जो है ना 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें आपको 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फाइनली इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरियंट जो है ना फिलहाल के टाइम पे आपको 14,500 रुपया में मिलेगा। दोस्तों इस फोन का और भी वेरियंट आता है, बट इस फोन का बेस वेरियंट जो है ना आपके लिए अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा। और ये फोन उनके लिए बेस्ट होगा जिनका बजट 14,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, या फिर अगर आपको 14,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का आखिरी फोन का। तो अपने लिस्ट का आखिरी फोन आता है मोटो की तरफ से, मोटोरोला G52। देखिए यह एक 4G फोन है। अगर आपको 14,000 रुपया में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए और 5G की कोई जरूरत आपको नहीं है तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप 5G की तरफ जाते हैं तो मतलब इस प्राइस रेंज में थोड़ा सा कम्प्रोमाइज तो आपको करना ही पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि 5G आ गया है तो 4G नहीं चलेगा। 4G नेटवर्क को हम लोग सालों से यूज करते हुए आए हैं तो अच्छा खासा चलता है 4G भी। खैर चलिए एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फोन का फीचर को। तो प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ ये फोन भी है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। ये फोन जो है ना काफी हल्का सा फोन है, एक अच्छा लाइट वेट फोन कह सकते हैं क्योंकि 169 ग्राम इस फोन का वेट है। और ये जो है ना काफी पतला भी है क्योंकि 7.9mm का थिकनेस है। अगर आपको एक अच्छा लाइट वेट फोन चाहिए जिसका डिजाइन वगैरह काफी खूबसूरत सा हो तो नो डाउट ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। कुछ बेसिक फीचर की बात करें तो हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। और ये फोन जो है ना प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जिससे आपको एक भी ब्लॉटवेयर एप्स और एड्स नहीं दिखेगा जो कि रन करता है एंड्रॉइड 12 पर। ये तो हो गया इस फोन का अदर फीचर। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मैन फीचर का, तो इस फोन में आपको OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि 6.6 इंच का फुल HD प्लस है और 500 nits का ब्राइटनेस भी दिया गया है जो कि ठीक ठाक ही है जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। बात की जाए स्मूथनेस की, तो 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 360Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना काफी बढ़िया मिलेगा और खास करके गेमिंग के लिए ये चीज जो है ना काफी अच्छा है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। डिस्प्ले जो है ना कंटेंट वॉचिंग वगैरह के लिए काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो की 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा माइक्रो लेंस है जो की 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। देखिए 14,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा जो है ना इस फोन का काफी लाजवाब आपका मिलेगा। कैमरा से इस फोन में आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाला है। तो अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक 4G प्रोसेसर मिलेगा। और आपको ये पता ही होगा कि यह प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना ठीक ठाक ही हल्का फुल्का गेमिंग कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और 2.5 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है, स्कोर ठीक ठाक है। बात की जाए बैटरी का, तो इनमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33 वाट का चार्जर को। तो बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं फाइनली इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट को लेने के लिए यानी कि 464 वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 12,999 रुपया देना होगा और 628 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 13,999 रुपया देना होगा। अगर आपको 14,000 के अंडर में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। वैसे भी अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। मेरा सजेशन तो यही होगा कि पहले आप खुद को समझिए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके बाद आप अपना बजट देख लीजिए एंड फोन तो कई सारा है ही। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।